फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रीन प्ले के एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक नए राइटर हैं तो आपको स्क्रीन प्ले के सभी एलिमेंट्स के बारे में जान लेना चाहिए, और मैं आप लोगों को बताता भी चलूंगा कि ये सभी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, जिस तरह से स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो उसी तरीके से स्क्रीन प्ले के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। स्टोरी के एलिमेंट्स पर मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि स्क्रीन प्ले के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन एलिमेंट्स के नाम बता देता हूं। देखिए, स्क्रीन प्ले के 8 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है सीन हेडिंग, सेकेंड नंबर पर है एक्शन, थर्ड नंबर पर है कैरेक्टर नेम, फोर्थ नंबर पर है पैरेंथेटिकल, फिफ्थ नंबर पर है डायलॉग, सिक्स नंबर पर है ट्रांजिशन, सेवेंथ नंबर पर है एक्सटेंशंस, एट नंबर पर है शॉट। तो देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, अब मैं आपको इसके बारे में बताता भी चलता हूँ शॉर्ट में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सीन हेडिंग पर। सीन हेडिंग में आपको सबसे पहले सीन नंबर लिखना रहता है, सीन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको लाइन वाइज लिखना रहता है। उसके बाद आपको लोकेशन के बारे में लिखना रहता है कि इंटीरियर लोकेशन है या फिर एक्सटीरियर लोकेशन है, यानी अंदर की लोकेशन है या बाहर की लोकेशन है, अंदर के लिए इंटीरियर और बाहर के लिए एक्सटीरियर। इसमें भी अगर आप थोड़ा और डिटेलिंग देना चाहते हैं तो आप वहां पर लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का घर का लोकेशन है, मान लीजिए रवि है कोई कैरेक्टर, उसका घर का लोकेशन है, तो आप लिख सकते हैं रवीज हाउस, या फिर उसका बंगला है तो रवीज बंगलो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आ जाती है वो आती है एक्शन। तो एक्शन में आपको स्क्रीन प्ले को डिस्क्राइब करना रहता है, यानी जो घटनाएं रहती है उसको आपको डिस्क्राइब करना रहता है। तो वो मेन पार्ट हो गया एक्शन जो है स्क्रीन प्ले का। तो आपने जब उसे डिस्क्राइब कर दिया तो डिस्क्राइब करते हुए ही आपको उसमें कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स है वो लिखने पड़ते हैं। तो जब आप यहाँ पर डायलॉग्स लिखने जाते हैं तो आपको सबसे पहले कैरेक्टर का नेम लिखना पड़ता है। तो यही पर थर्ड जो एलिमेंट है ये आ जाता है, ये होता है कैरेक्टर नेम, यानी कैरेक्टर का आपको नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ जो एलिमेंट होता है वो होता है पैरेंथेटिकल। तो पैरेंथेटिकल में आपको लिखना पड़ता है उसके एक्सप्रेशंस के बारे में, यानी जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से डायलॉग को बोल रहा है उससे आपको लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए वो हाथ हिलाकर बोल रहा है या फिर वो थोड़ा गुस्सा कर बोल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको पैरेंथेटिकल में लिखनी होती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आ जाती है डायलॉग्स। डायलॉग्स में आपको, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आपको डायलॉग्स लिख देने होते हैं, तो इसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पर जो कैरेक्टर क्या बोल रहा है वो आपको लिख देना है। उसके बाद सिक्स नंबर पर आ जाती है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन में आपको लिखना रहता है, जैसे मान लीजिए एक सीन जब दूसरे सीन में चेंज होता है तो उसमें एक फिल डाला जाता है, एक गैप डाला जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए एक ट्रांजिशन इफेक्ट उसमें डाला जाता है, तो वो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन में आपको लिखना पड़ता है। यानी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन में जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे डिजॉल्व टू आ जाता है, फेड इन फेड आउट आ जाता है, कट टू आ जाता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ता है। ट्रांजिशंस पर भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ है चैनल पर मेरे, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस RS फिल्म्स प्रोडक्शंस, तो आप स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब ट्रांजिशन के बाद सेवन्थ नंबर पर आ जाती है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस में आपको OS, OC और वॉइस ओवर के बारे में लिखना पड़ता है, यानी VO के बारे में लिखना पड़ता है, ये सभी एक्सटेंशंस है। इसमें आपको जैसे जो कैरेक्टर है वो ऑफ स्क्रीन है, ऑफ कैमरा है, या फिर उसका वॉइस ओवर उसमें चल रहा है, ये सभी चीज़ें लिखनी रहती है। इन तीनों जो मैंने आपको नाम बताया, जो OS, OC और VO, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो उसे देखने के लिए आपको बस YouTube में सर्च करना पड़ेगा OS, OC, VO, RS Films Productions। तो आप इस वीडियो को भी देख करके OS, OC और VO को डिटेलिंग में समझ लीजिएगा। तो ये जो है एक्सटेंशंस, ये आपको लिखने पड़ते हैं। और उसके बाद जो एट्थ नंबर पर आ जाते हैं वो आते हैं शॉट्स। शॉट्स यानी कैमरा शॉट्स जो होते हैं, जैसे कावबॉय शॉट होता है, एक्सट्रीम वाइड शॉट होता है, फुल शॉट होता है, क्लोजअप शॉट होता है, तो इस तरीके के बहुत सारे शॉट्स होते हैं, वो भी स्क्रीन प्ले में लिखने पड़ते हैं। तो ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, ये 8 एलिमेंट्स जो है ये स्क्रीन प्ले राइटिंग के मेन एलिमेंट्स है। तो इन सभी एलिमेंट्स का यूज़ होता है स्क्रीन प्ले राइटिंग में। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर हटा दी जाए तो स्क्रीन प्ले जो है वो अधूरा रह जाता है।
तो प्रोफेशनली स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, प्रोफेशनली स्क्रीन प्ले को लिखने के लिए इन 8 एलिमेंट्स का यूज़ होता है। तो जितने भी राइटर्स अभी इस वीडियो को देखें, उन लोग इस बात पे एकदम फोकस करें कि इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो स्क्रीन प्ले को लिखे, तो आपकी स्क्रीन प्ले बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो। आप उस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।